जब बच्चे निकलते हैं तो रोने बिट 12% का कोर्स करवा देता हूँ। तो लेकिन वो कोर्स होता है 6-7 दिन का, मैक्सिमम 7 दिन का, 8 दिन का। ट्रिपल से तो कभी किसी सूरत भी आपने नहीं देनी, वो मतलब कि एक हेल्दी बर्ड को भी थोड़ा सा ढीला कर देती है। एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक जब बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक जा जाती है तो वो एक अच्छा खासा बर्ड जो होता है उसको भी थोड़ा सा वो ढीला करती है। एक और मेडिसिन है डिफेंडिंग 5-in-1, वो भी 5 डिजीज़ को कवर करती है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कैंकर भी नहीं आपको नज़र आ रहा और आपको उसमें कॉक्सी का भी मैटर नहीं है कि भाई बच्चों में कॉक्सी भी नहीं है और इनमें कहीं गलती ये की कि जब बच्चे बाहर आए उनको ढीले नज़र आए तो उन्होंने एंटीबायोटिक दे दी, फ्लैजल दे दी, वो जारी बात है फिर उन्होंने उनका सर्वाइवल नहीं होना था, उन्होंने मरना ही था। तो वो एक हैवी डोज नहीं देनी चाहिए बच्चों को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ की खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि गुडलिन के बच्चे जब पर निकल आते हैं तो उसमें उस वक्त एक्सपायरी क्यों हो जाती है। मुझे एक पिछले दिनों फ़ोन आया तो एक साहब ने मुझे ये कहा कि गोल्डन के बच्चे जब मैं बैंगलिस से पलवाता हूँ तो बैंगलिस को तो मैं जब बच्चे निकलते हैं तो रोनेविट 12% का कोर्स करवा देता हूँ। तो लेकिन वो कोर्स होता है 6-7 दिन का, मैक्सिमम 7 दिन का, 8 दिन का। तो उसके बाद बड़ा लॉन्ग पीरियड होता है, फिर 1 माह के अंदर इनके पर पूरे आ जाते हैं, एक माह सवा माह में पूरे पर आ जाते हैं। तो कहता है जब गोल्डन के बच्चे जब अपने नेस्टिंग से बाहर आते हैं तब वो बैंगलिस फीड कराना छोड़ देती है और उसके आस्था सब मरना शुरू हो जाते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा यही है कि वो बैंगलिस फीड कराना क्यों छोड़ देती है और वो बच्चे क्यों मर जाते हैं। अच्छा, फिर मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने बल्कि खुद ही बताया मुझे कि यार जब गोल्डन के बच्चे मतलब कि अपने नेस्ट से बाहर आ जाते हैं तो बैंगलिस ने फीड कराना छोड़ दिया, बच्चे ढीले हो गए, बच्चे बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बीमार हैं, फूल के बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने ना उन दिनों में ट्रिपल सी भी यूज़ करके देख ली, फ्लैजल भी यूज़ करवाई, लेकिन बच्चे सर्वाइव नहीं कर सके, बच्चे फिर भी मर गए। तो कहने का मकसद ये था कि आज की वीडियो को टॉपिक मैंने ये क्यों रखा कि इस कंडीशन में बच्चों को, ख़ास तौर पे बच्चों को, चिक्स को ट्रिपल सी तो कभी किसी सूरत भी आपने नहीं देनी, वो मतलब कि एक हेल्दी बर्ड को भी थोड़ा सा ढीला कर देती है। एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक जब बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक जा जाती है तो वो एक अच्छा खासा बर्ड जो होता है उसको भी थोड़ा सा वो ढीला करती है। ये बेसिकली इन्फेक्शन को दूर करने के लिए होती है। अगर आपके मतलब कि बर्ड्स के चेहरे पे कोई ऐसा दाना निकला है जिसका पता ही नहीं चल रहा है कि आप मर्ज है, इन्फेक्शन की वजह से दाना निकला है, समटाइम आपके बर्ड्स की टांग किसी मतलब कि केज की जाली में फंस जाती है और उससे स्वेलिंग हो जाती है, तब एंटीबायोटिक दी जाती है, तब आप एंटीबायोटिक दें, उसका इलाज हो जाएगा एंटीबायोटिक से। और बच्चों इस कंडीशन में बच्चों को एंटीबायोटिक देना जो है ना वो मुनासिब नहीं है। तो मैंने वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई ताकि मैं लोगों को आगाही दे सकूं कि उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आप रोनेविट 12% देते हैं, रोनेविट 12% 4 डिजीज़ को कवर करती है, 4 से 5 डिजीज़ को कवर करती है। फिर एक और मेडिसिन है डिफेंडिंग 5-in-1, वो भी 5 डिजीज़ को कवर करती है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कैंकर भी नहीं आपको नज़र आ रहा और आपको उसमें कॉक्सी का भी मैटर नहीं है कि भाई बच्चों में कॉक्सी भी नहीं है और इनमें कैंकर भी नहीं है और क्या वजह है फूल के बैठे हुए। तो पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है, मुझे जो फील होता है कि कैंकर ही होता है जिस वजह से बच्चा खाना पीना छोड़ देता है। माँ बाप फीड कराते हैं, बच्चा फीड नहीं लेता तो माँ बाप छोड़ देते हैं फिर फीड कराना। तो उस सूरत में भी जब बच्चे बाहर आ जाएँ, जब उनके पर आ जाएँ, उस सूरत में भी बच्चों को आप बल्कि माँ बाप को ही रोनेविट 12% का जब कोर्स करवाएंगे, एक दफ़ा फिर रोनेविट 12% लगा दें तो वो बेहतर है, बजाय इसके कि आप ट्रिपल सी दें। आप क्योंकि लोगों के जहन में ही होता है कि यार हमने रोनेविट 12% का कोर्स करवा दिया है तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इसको ट्रिपल सी दे दें, फ्लैजल दे दें, वो बर्ड को और ज़्यादा वीक कर देगा। तो उस सूरत में भी अगर आपने रोनेविट 12% दे दी है तो आप डिफेंडिंग 5-in-1 जो है, डिफेंडिंग 5-in-1 मैं स्क्रीन पर शो कर दूँगा, उसमें भी हल्की सी एंटीबायोटिक का टच है तो वो आप दे सकते हैं, वो बड़ी सेफ़ है और उसमें ये होता है कि 5-6 जो डिजीज़ हैं वो आपकी कवर हो जाएंगी। तो इस तरह बच्चों को आप सर्वाइव करवा सकते हैं। तो कहने का मकसद ये था कि भाई ने गलती ये की कि जब बच्चे बाहर आए उनको ढीले नज़र आए तो उन्होंने एंटीबायोटिक दे दी, फ्लैजल दे दी, वो जारी बात है फिर उन्होंने उनका सर्वाइवल नहीं होना था, उन्होंने मरना ही था। तो वो एक हैवी डोज नहीं देनी चाहिए बच्चों को। मैं कई बार वीडियो में कह चुका हूँ कि बच्चों के लिए
ना तो मल्टीविटामिन सही हैं हैवी किस्म के, और ना ही इनको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोटीन चाहिए होता है बच्चों को। लाइट सा प्रोटीन और मल्टीविटामिन नहीं चाहिए होते इनको, इनको मिनरल्स की ज़रूरत होती है ग्रोइंग एज में। हाँ, इनको आप मतलब कि जब इनके फीदर शाइनिंग फीदर जब इनके मोल्टिंग में हो, जब इनके फीदर आ रहे हों, तब इनको आप बाथ टब मतलब कि प्रोवाइड करें। ये नहाएंगे अपने फीदर्स, इनके ना शाइनिंग होना शुरू हो जाएंगे, इनके फीदर ऑटोमेटिकली शाइनिंग हो जाएंगे, हो जाएगी इनके फीदर्स के अंदर। तो वो एक हल तो है, वो आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक मेरा यही था कि ये गोल्डन के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब इनके पर निकल आते हैं, तो ये इनकी एक्सपायरी की वजह क्या बनती है। तो वजह तो कोई नहीं बन रही, लेकिन कहने का मकसद है कि आप तब भी उस ड्यूरेशन में जब आपको नज़र आ रहा है कि बच्चा वीक बाहर बॉक्स से बाहर आया और वीक है, उस ड्यूरेशन में भी आप रोनिविट 12% यूज़ करवा सकते हैं। तो ये अमल करके देखें, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरे जो जानने वाले हैं और मेरे जो चाहने वाले हैं और जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो इस अमल को जब करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि उनका बच्चों का सर्वाइवल बहुत अच्छा होगा। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है, आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। जाते जाते हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी कम्युनिटी में शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।